हाई व्हाट्सअप यू गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो आई एम वॉइस ओवरिंग दिस व्लॉग, बट येस एनी वेज, टूडे इज़ द थर्ड डे विच इज़ द फाइनल डे ऑफ प्रबंधन। बेसिकली दिस मीन्स हुनर का बंधन, जिसमें कि बहुत लोग अपने टैलेंट्स को शोकेस करते हैं। एंड दैट्स बिहाइंड मी, माई जूनियर इज अ स्टैंडिंग, शी इज़ सो स्वीट, लेट मी शो यू इन दिस व्लॉग। अच्छी लग रही है भाई, आप लोग कॉमेंट करके बताने की अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ऑफ कोर्स बोलोगे लग रही है। एक तो अभी सुबह सुबह मेरा जो मूड खराब हुआ ना भाई साहब, मतलब हम लोगों को विनर पता था कि विनर कौन है, मतलब हम लोगों ने देखा था भाई जजमेंट शीट पे सबके मार्क्स, पर अभी ऐसा लग रहा है कि जज, मतलब जो विनर एक्ट है वो चेंज कर दिया गया। खैर इसके बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ अभी डाउट में हूँ। कन्फर्म हो जाएगा ना तब मैं बताऊँगी। ये पहले आ चुकी थी, हम लोग गले में भी चुके थे, मैं ब्लॉक के लिए भी कर रहे हैं। देखते हैं कंफर्म। जाओ जाओ जाओ, आऊंगी। मेरे को ब्लॉग में आने में बोला कि मना कर दी मुझसे, क्यों मना किया भाई? मैंने सोचा मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। नहीं जी यार, पता है मेरे से जो लड़की मिल रही है कह रही मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मुझे देख के ऐसा लग रहा है क्या परियां आ रही है दूर से। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लग रही है। वो मेरे साथ रहो ना, मिल जाएगा, मैं ट्रांसफर कर लूंगी। अभी नहीं देखना, हमें चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। अरे बिल्कुल यार बिल्कुल। तो अभी पता है वो भी आई थी, क्या नाम है उसका, नाम भूल गई, तनु कुशवाहा ना, वो भी आई, वो बोली मैम मेरी अच्छी लग रही है। मैं कही भाई तुम गाइज, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये लोग कितनी अच्छी लग रही हैं। ये एंट्री क्यों बंद होगी यार, अभी 9:30 से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो अभी तो एंट्री होनी चाहिए, लाइक है ना, होगी 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। चीफ गेस्ट आने में मतलब थोड़ा बहुत लेट हो जाता है सभी को, तो इसलिए गाइज पहले पता हम लोग का प्लान ये था कि मैं भी पिंक पहनने वाली थी और ये भी पिंक पहनी है ना, तो हम लोग सेम दिखने वाले थे, बट सेम बट डिफरेंट। एनीवेज तो लास्ट टाइम पे मेरी साड़ी ऐसे मम्मियों वाली लग रही थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि अम्मा वाली लग रही थी, उसने चेंज करवा दिया। हाँ क्यों, अच्छी नहीं लग रही थी होते। इसमें देख के बोलो ना, गाइस को बोलना है, उधर कहाँ देख बोल रहे हो, मतलब गाइस को देख के बोलना। अच्छी नहीं लग रही थी इसके ऊपर, मतलब बहुत औरत वाली लग रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट करते हैं, चेंज करते हैं उसको। यस अब बोलो, ऑन हो गया। हाय अर्पिता। हाय भाई, तुम बहुत प्यारी लग रही हो यार, इसकी साड़ी मैं ले लूँ क्या उधार पर? कसम बहुत प्यारी लग रही है ये वाली साड़ी भाई। हाय, मतलब वहाँ मेरा व्लॉग जाएगा, यहाँ तुम्हारा व्लॉग जाएगा, एक्सचेंज। हाय कर दो। अरे ऐसे क्या हंसते जा रहे हो यार, पागल हो गए, इग्नोर मार दिए। रहन दो, नमस्कार को कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम। इग्नोर मार दिए। जय श्री राम भाई, को इग्नोर मारा है। चलो भाई अंदर चले। बोल दो मेरे व्लॉग में, कितनी प्यारी लग रही है इसकी परफॉर्मेंस, कौन सी परफॉर्मेंस है? नृत्य नाटक। वाह यार, सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग, ऐसा लग रहा है हम जन्नत वन्नत में आ गए हैं। टेंशन मतलब जो होगा अच्छा होगा, अच्छा सबने किया। साड़ी पहनाने आती है। तुम क्या बनी हो? देवी। कौन सी देवी? अच्छा, बट बहुत प्यारी लग रही हूँ भाई। देखो ये सारे बैक स्टेज सीन है, ये सारा मैस होता है भाई, पूरा यहाँ से ऑडी का एंट्री है और ये पूरा मैस है। Professor H.P. Shukla sir, Principal UCR, Professor Sanjay Srivastav sir, Principal. Their responsibility. I hope the final year students might have enjoyed the leadership, the management opportunities which we have given to you. The same thing is with the second year students, because the final year students, it is their last function and the grand function which they have organized, and they had definitely enjoyed as a leader, as a manager. The same opportunity lies with the second year student. होना चाहिए।
आपका फंक्शन है, आप ऑर्गेनाइजर हैं, आज सीनियर ऑर्गेनाइजर हैं, कल सेकेंड ईयर वाले ऑर्गेनाइजर होंगे, उसके बाद थर्ड जो आप फर्स्ट ईयर वाले हैं वो होंगे। तो ये एक सिलसिला है जो आपको आने वाले जो नए स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर उन्हें भी सिखाना होगा। आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है कि आज हम सबको सम्मान देते हैं, बच्चों को, आज स्टूडेंट्स को सम्मान पाने का दिन है। वी विल ऑनर द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बाय शोकेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट इन डिफरेंट इवेंट्स। तुझे भी नचाओगे जैसे नाच के
I would like to call the participants of Desi Swag, Videshi Tadka, Jagriti Kesari. तो अंदर से सारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं अभी और हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा भूख लग गई, इसीलिए हम लोग चले आए बाहर कैंटीन में कुछ खाने के लिए। अभिमन्यु तुमको बैग, ठीक है तो ये सब जा रहे खाना खाने के लिए, मैं खाना नहीं सॉरी कुछ ऐसा कुछ खाने के लिए। मैं इसको 25 बार एक चीज़ बोलती हूँ, ये मानती बिल्कुल नहीं है, ठीक है लौट फिर के फिर वही काम करना होता है जो मैंने कहा होता है। क्यों छुट्टी? अरे यार सब जा रहे थे तो मुझे लगा एक्चुअली में खुली, मैं बताई थी कि वो बंद हो चुकी है वो वाली कैंटीन, सब जा रहे बात करने जा रहे होंगे। और पता है उतने दूर जाके अगर हम लोग, पता है वो है हम लोगों की कैंटीन उतने दूर जो येलो कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा वो है, ठीक है वहां से हम लोगों को फिर लौट के उधर जाना पड़ता वो वाली कैंटीन, मतलब उतना दूर। चल दे श्रुति आगे, चलते कुछ हो नहीं जाएगा तेरा, पतली हो जाएगी फिर भी अच्छी दिखेगी पूरी व्लॉग में, हमको वो कर दो थोड़ा। ये रियल बॉन्डिंग है यार, आप बताओ गाइस यार आप लोगों को वो फेक वाला व्लॉग देखना अच्छा लगता है क्या कि नॉर्मल श्रुति प्लीज प्लीज ये वाला अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, रियलिस्टिक कलर है क्या? अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, वी आर गोइंग टू ईट समथिंग एंड आई हैव श्रुति माय फ्रेंड हियर, सो श्रुति वुड यू लाइक टू जॉइन मी प्लीज? ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली। ये अच्छा लगेगा क्या? ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना भाई, बोल ही नहीं पा रहा। चलो चले ना, ये मैगी बताइए। अभी मैगी शॉप में चिली पोटैटो है तो चिली पोटैटो ले लें। चलो हाँ चिली पोटैटो दे दीजिए। मैं चलूँ? हाँ मैगी लो और हाँ तीखी मत करवाना ताकि मैं भी टेस्ट कर लूँगी यार। मैगी बना दीजिएगा। अभी यार रुको हम आ रहे, फिर बताते हैं। चलो थोड़ा सा इसको साइड इसको रख लो, दे दो। क्या फोक है भाई, अंडा कर रही है, तैयार हो रही है, उठ ही नहीं रहा मैं बॉक्स से। अब ये खाना हुआ कि रील बनाने के बाद चलो विकल मौका आईपीएल का हो रहा है। हो रहा है क्या? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म? हाँ मैं हम लोग बता रही हैं, मैसेज आया है अभी। पहले पता करो क्या पता है हो रहा है कि नहीं। तुम लोग अभी पता करोगे और अभी से फिर 5 मिनट बाद निकलोगे, पहुंच भी नहीं पाओगे, तुम लोग का निकल भी जाएगा। हम लोगों ने अब सब कुछ खा पी लिया है एंड नाउ वी आर बैक टू ऑडिटोरियम। अभी क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास ये मतलब लाइटनिंग चार्जर नहीं था, ठीक है यहाँ पे किसी के भी पास, मैं लेके आई थी मगर ओ माई गॉड पानी, मगर मैंने एक फ्रेंड से बोला कि भेज मतलब मेरे पर्स में है लाइटनिंग चार्जर दे दो मुझे कैंटीन आकर, तो वो बोला कि नहीं मेरा लाइक अवार्ड आने वाला है, नाम आने वाला है, ऑडी में बुलाने वाले हैं स्टेज पर, तो अभी मैं किसी और से भिजवा देता हूँ, और वो दूसरे इंसान ने मना कर दिया। और भाई वो दोस्त ही था, अगर दोनों लोग ब्लॉग देखना तो प्लीज कमेंट कर देना। हाँ और बाकी लोगों को पता चल जाए तुम ही दोनों और मतलब दोस्त ही थे और वो लोग ही मना कर दिया। वाओ चलो मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, पानी आ गया, मैं साड़ी खानी है भाई। हाँ तो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो पीछे देखा वो पानी पड़ा हुआ है तो ना मेरी साड़ी ऐसे गुथर रही है और उस पर लग जाता पानी, इसलिए मैंने उठा लिया। तो और भी चलो खैर ऑडिटोरियम में जाके मिलते हैं गाइस। क्या कर रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं अब गाइस वहाँ पे, क्या कहते हैं ऑडिटोरियम गए थे वहाँ पे 5-10 मिनट थे हम लोग और अब जा रहे हैं क्या बुलेट चाय वाला कैच अरे उसका नाम नहीं आता। हाँ तो मतलब बुलेट चाय वाला मतलब वो हम लोग कैंटीन जा रहे हैं और अब जा रहे हैं वो लगाने चार्ज में अपने फ़ोन को, मिल गया चार्जर फाइनली। हम लोग कैंटीन जाते जाते फिर चले आए यहाँ पे कैचअप करने के लिए। लड़कियों का कितना ही कैचअप होता है भाई, अरे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, दूसरे लोग ऑफेंड ना। तो अब हो गया हम लोगों का लंच एंड हम जा रहे हैं लंच करने के लिए भाई साहब। इतने भीड़ में इसने मुझे सर्व किया भाई, थैंक यू अंजलि इधर देखो, थैंक यू बाय। कल का खाना फिर भी बेटर था भाई, आज तो मेरे को वैसा स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें। हाँ सब हम लोग का लंच वगैरह सब खत्म हो गया, अब हम लोगों का क्या नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली है? रैंप वॉक। हाँ रैंप वॉक और संस्कृति दर्पण। संस्कृति दर्पण और वो क्या है इस बार थीम क्या है? फ्रीडम फाइटर वाला। फ्रीडम फाइटर पिछली बार सारे स्टेज को रिप्रेजेंट करना था ना, ये चाहत है हमारा कैमरामैन, आज तक मैं इससे कम तो 10 बार बोल चुकी हूँ वीडियो शूट करने के लिए, बट एक बार भी नहीं पॉसिबल हो पाया।
पर बिजी रहते हैं सर थोड़े। यहाँ हो गई हमारे प्रोग्राम की एंडिंग एंड हम चले गए थे बाहर कुछ खाने पीने के लिए। एंड यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने ये सैंडविच मतलब ऑर्डर किया था, मेरे को नहीं पता था भाई इतना बड़ा सैंडविच होगा ये, इसके बाद तो एकदम पेट ही भर गया था। बट हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा था लाइक पिज्ज़ा का। हमारा इवेंट वगैरह हो गया है, सब खत्म एंड नाउ आई एम बैक टू होम, मतलब जा रही हूँ। तो बस आई एम ऑन माई वे एंड मैं पहुँचने वाली हूँ घर। बस देखती हूँ मेरी फ्रेंड है तो मैं उससे भी मिलते हुए जाऊँगी। नैना है बुआ कहाँ है? So yes, I am ending this vlog right here and do like, comment, share and subscribe to my channel if you like this vlog, और नीचे comment भी कर देना। चलो bye bye.